पिछले कई दिनों तक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जहां आपको बताया चले पूरे देश में ही जगह जगह बवाल हुआ था, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद में उपद्रवियों ने ही यहां पर आगजनी को बवाल किया है, जिसमें लोगों की मौत भी हो गई है। जिसके बाद अभी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल आज बागपत पहुंचे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रेस वार्ता में कहा है कि बोलते हुए कि किसी को भी किसी की परवाह नहीं है। आपको बताते चले कि बीजेपी सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास के लेकर ही यहां पर आपको पता चले किसी भी नागरिकता को नहीं छीन जाएगी। नागरिकता कानून संशोधन को लेकर यहां बवाल में जिम्मेदारी विपक्ष पार्टी खासकर कांग्रेस के, देश में लोग अफवाह फैलाकर यहां पर नागरिकता छीन ली गई है। प्राइम न्यूज आने के लिए आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट के वो आरोप कुछ भी लगाएं, वो नौटंकी कर रहे हैं, वो जनता को इंस्टिगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वह जनता को पूरी तरह से भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात है नहीं। प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वह सब पुलिस के हाथ में रहती है। पुलिस उसके लिए पूरी जिम्मेदारी से मुस्तैदी से काम कर रही है। विपक्ष के इस झूठे प्रचार प्रसार को, इस इंस्टिगेशन को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकारती है। अगर किसी तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या कुछ हुआ है तो वह उसके लिए FIR भी कर सकती है, लेकिन वह पूरी तरह से नौटंकी है और कुछ नहीं है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन